जहानाबाद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद में मलेरिया से बचाव को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चिकित्सक ने मलेरिया मच्छर से बचने के लिए उपाय बताए गए और मलेरिया मच्छर को लेकर दवा के छिड़काव करने की बात कही। चिकित्सक ने कहा कि गंदगी से बचें और मच्छर भगाने के लिए दवा का छिड़काव हमेशा करते रहें ताकि मलेरिया जैसे रोग से आम लोग बच सके। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। आज विश्व मलेरिया के है, पूरे विश्व में 4 से 5 लाख लोग मलेरिया से ग्रसित होते तो बहुत है, मलेरिया से ग्रसित लेकिन 4 से 5 लाख लोग समाप्त हो जाते हैं, हमारे विश्व चले जाते हैं, वास्तव हो जाते हैं। तो उसे बच बचाव के लिए यही है कि ये जो मलेरिया बीमारी है एनोफिलीज मच्छर फीमेल मादा एनोफिलीज के काटने से फैलता है, जो कि बहुत गंदा पानी में नहीं, बहुत साफ पानी में नहीं, पीने वाले पानी में उसका एक्सचेंज रहता है और शाम के बाद काटता है ज़्यादातर। तो इसमें हमारे यहाँ सभी पीठ से भी जांच होता है इसका डायग्नोसिस के लिए और स्लाइड से भी जांच होता है, जो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है जहानाबाद में, और दवा भी एंटी मलेरिया का मिल जाए। लोगों से हमारा यही अनुरोध होगा कि हाफ कपड़ा कौन पहने, हाफ पैंट का चलन आजकल हो गया, हाफ शर्ट का चलन हो गया, टी शर्ट का चलन हो गया। जैसा कि हम जानते हैं डेंगू फीवर वाला जो मच्छर होता है तीन में ही काटते हैं, तो मच्छर से रिलेटेड ठीक है मलेरिया डे आज है, लेकिन साथ में मलेरिया मच्छर से फैलने वाली जो भी बीमारियाँ हैं उससे हम लोग सतर्क रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और तुलसी का पौधा अगर आसपास लगाते हैं तो जैसा कि हम एग्जैक्ट फिगर नहीं कर सकते क्या कारण है, लेकिन जहाँ भी तुलसी का पौधा रहता है वहाँ मलेरिया के मच्छर पनपने का चांस कम है।